हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में काफ़ी सारे लोगों को जो है वो कन्फ्यूजन रहता है। तो ये जो टॉपिक है ये है रैम को लेकर के। मैं कमेंट सेक्शन चेक कर रहा था अपनी पुरानी वीडियोस का, तो लोग जनरली दो ही सवाल पूछ रहे थे मेरे से। एक तो SSD के ब्रांड्स को लेकर के लोग बार बार, मैंने एक वीडियो बना भी दी है लेकिन फिर भी लोगों को पता नहीं क्यों डाउट है। तो आप वीडियोज़ को थॉरली चेक कीजिए, शॉर्ट में मत देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको सही जानकारी मिलेगी। और दूसरा जो लोगों को सबसे ज़्यादा डाउट रहता है, वो लोगों को डाउट रहता है रैम को लेकर के। तो दोस्तों, रैम जो है वो हमारे जो सिस्टम है उसका सबसे ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। और हम अपने कंप्यूटर में मदरबोर्ड अच्छा लगा लेंगे, हार्ड डिस्क अच्छा लगा लेंगे, प्रोसेसर अच्छा लगा लेंगे, लेकिन अगर हमने रैम में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया तो रैम जो है वो आपके पूरे सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसको डुबा देगी, वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास भी कि अच्छा प्रोसेसर लगा रखा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उस तरीके की उनको परफॉर्मेंस नहीं मिल रही होती है जिस तरीके की परफॉर्मेंस वो अपने सिस्टम से चाहते हैं। तो मैंने कई बार देखा है तो उनके सिस्टम में जो है ना वो अच्छी क्वालिटी की रैम ना होने की वजह से जो है वो प्रॉब्लम रहती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो रैम्स आती हैं वो तीन टाइप की होती हैं। फिलहाल तो DDR5 भी आ गई है, बट अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो DDR4, DDR3 और DDR2 रैम्स को जो है वो यूज़ कर रहे हैं। DDR2 रैम्स तो जो हैं वो मार्केट से लगभग गायब ही हो गई हैं। तो जो मेनली जो यूज़र है वो DDR3 और DDR4 रैम का है। तो जो DDR4 रैम होती है उसमें दोस्तों लोगों को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है फ्रीक्वेंसीज़ को लेकर के। ब्रांड जो आते हैं DDR4 में, ऑलमोस्ट सारे ही इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, इंडियन ब्रांड जो आते हैं वो ऑब्वियसली बात है उतनी अच्छी क्वालिटी के चिपसेट नहीं यूज़ करते हैं। पर मैंने ये भी देखा है कि लोग ज़्यादातर इंडियन ब्रांड्स को DDR4 रैम्स में यूज़ नहीं करते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। तो अगर आप उसमें मेरे से ब्रांड रिकमेंडेशन मांगे तो DDR4 में मैं जो आपको रैम सजेस्ट करूँगा वो GSkill करूँगा, ADATA करूँगा, Crucial करूँगा। और आपकी GSkill जो है उसमें गेमिंग नॉन गेमिंग दोनों रैम्स आती हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप दोनों सेगमेंट कवर करता है। वहीं पे अगर आप जाएंगे आप ADATA में, ADATA की नॉर्मल रैम्स आती है, 32 MHz तक आती हैं, XPG गेमिंग सेगमेंट है, बाकी नॉर्मल रैम भी आती हैं। वहीं Crucial भी आती है, Crucial की 32 MHz की रैम आती है, माइक्रोन ब्रांड, बहुत बढ़िया है, आप आंख बंद करके रैम को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो DDR4 वाला जो कस्टमर है दोस्तों वो ज़्यादा कन्फ्यूज होता है फ्रीक्वेंसी को लेकर के, क्योंकि जो DDR4 वाला सेगमेंट है उसमें हमारे पास तीन टाइप की फ्रीक्वेंसीज मिल जाती हैं। पहली आती है 2400 MHz, दूसरी आती है 2666 और तीसरी आती है 3200 MHz की। तो जो 3200 MHz की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा फास्टर फ्रीक्वेंसी मानी जाती है, मतलब जो होती है वो सबसे ज़्यादा फास्टर फ्रीक्वेंसी होती है DDR4 रैम की। और जो हमारे जो लैपटॉप्स होते हैं, जो डेस्कटॉप्स होते हैं, उसमें ये बात ध्यान रखें आप कि जो आपका मदरबोर्ड है जब आप रैम को अपग्रेड करने के लिए जाएँ तो जो बोर्ड है वो आपका 32 MHz की रैम को सपोर्ट, या तो उसमें पहले से अगर आपका कोई लैपटॉप है, कंपनी का लैपटॉप है, जैसे गेमिंग लैपटॉप आते हैं तो उसमें आपका जनरली 3200 MHz की ही रैम उसमें लगी होती है। लेकिन कई जो पुराने लैपटॉप हैं, राइजन 3 सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन जो रहते हैं, उनमें क्या होता है कि वो पुराने बोर्ड्स हैं तो उनमें 3200 MHz की जो है रैम वो सपोर्ट नहीं करती है। तो उसमें आप लोग ध्यान रखना कि अगर आप 3200 MHz की रैम को अगर आप ऐसे बोर्ड में लगाएंगे जो 3200 MHz की रैम को सपोर्ट नहीं करता है तो वो आपकी रैम को जो है वो डाउन ब्लॉक कर देगा, यानी कि 2400 MHz पर ले आएगा या 2600 MHz पर ले आएगा। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। हाँ, ये कह सकते हैं कि आप 3200 MHz की रैम आप यूज़ कर रहे हैं तो क्या है कि फ्यूचर के लिए ठीक रहता है कि कल को आप लैपटॉप या डेस्कटॉप चेंज करें तो उसमें से आप रैम निकाल करके दूसरे उसमें लगा सकते हैं और उसकी पुरानी रैम को आप एज यूजुअल यूज़ कर सकते हैं या उसको आप सेल आउट कर सकते हैं अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को। लेकिन आप अगर आप प्राइस भी देखेंगे तो प्राइस में भी कुछ बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 3200 MHz में और 2666 में, या 2400 और 3200 में डिफरेंस है, 2600 में और 3200 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है प्राइस में। लेकिन मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आपका बोर्ड जो पर्टिकुलरली जहाँ तक सपोर्ट करता है तो आप वहीं तक की रैम उसके अंदर जो है वो यूज़ करें। अब जो DDR4 में एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली होती है कि कई लोग क्या करते हैं कि कम फ्रीक्वेंसी की रैम के साथ 3200 MHz की रैम लगा देते हैं, 2400 के साथ 2600 की रैम लगा देते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल ना करें, ये बिल्कुल गलत है, इससे आपके बोर्ड में डिफेक्ट आ सकता है।
लैपटॉप की डिस्प्ले परमानेंट जा सकती है, ऐसा ना करें। हालांकि आजकल जो रैम्स आ रही हैं वो डायनेमिक रैम्स आ रही हैं, स्मार्ट रैम्स आ रही हैं, तो क्या होता है कि अगर आप एक 3200 और एक 2600 यूज़ कर रहे हैं तो वो 3200 वाली ऑटोमेटिकली डाउन क्लॉक होकर के 2600 या 2400 पे आ जाएगी। तो वैसे तो टेक्नोलॉजी है इस चीज़ को टैकल करने के लिए, बट जनरली होता यह है कि हमने देखा है कई सारे जो बोर्ड्स होते हैं, जो लैपटॉप या डेस्कटॉप होते हैं, उनमें डिस्प्ले चला जाता है या ब्लू स्क्रीन एरर आकर के जो है वो लैपटॉप जो है या डेस्कटॉप रीस्टार्ट हो जाता है। तो वो केवल इसी वजह से होता है कि कई बार लोग क्या करते हैं कि मिसमैच फ्रिक्वेंसी की रैम को जो है वो यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ को भी जो है वो आप लोग अवॉइड कीजिएगा। अब रही बात ब्रांड्स को लेकर के, तो अब आप एक चीज़ ध्यान रखना कि आजकल मार्केट में रिफर्बिश्ड रैम्स आ रही हैं, तो जो रिफर्बिश्ड रैम हैं उनको आप सिस्टम में ना यूज़ करें। वो मार्केट में आपको सस्ती मिल जाएगी, विद वारंटी मिल जाएगी, बट सारी बात वही है कि आपके सिस्टम या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आपको एक तो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी और दूसरा आपको जो है वो दिक्कत का सामना, हार्डवेयर इशू जो है वो आपके बोर्ड या लैपटॉप के साथ हो सकता है। अब दोस्तों आप एक चीज़ और ध्यान रखें कि जो आप ये रिफर्बिश्ड रैम यूज़ करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, तो ये जो रैम्स होती हैं ये मार्केट से कलेक्ट की जाती हैं, यूज्ड रैम्स होती हैं, और इनमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं इनमें फॉल्ट होता है और उन फॉल्ट्स को दूर किया जाता है हार्डवेयर को रिप्लेस करके, और फिर इनको जो है वो मार्केट में दोबारा से सेल आउट किया जाता है। तो मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूँ कि दो तरीके की रैम आती हैं, एक आती है जो रैम डिस्प्ले दे देती है सिस्टम के अंदर, और एक दूसरी रैम आती है जो परफॉर्मेंस देती है। तो दोनों रैम्स में फ़र्क यही है कि अगर आप एक अच्छी क्वालिटी की ब्रांडेड रैम यूज़ करेंगे तो उसमें आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, और जो अपने जो ब्रांड में बता रहा हूँ वही ब्रांड्स आप लोग यूज़ कीजिए, तो उनकी जो क्वालिटी है वो टेस्टेड है और हर पैरामीटर्स पे वो ए क्लास रैम्स हैं। ब्रांड मैंने आपको बताया जी स्किल, ए डेटा, क्रूशियल, किंगस्टन और ट्रांसेंड की रैम भी बहुत अच्छी क्वालिटी की आती है। और अब आ जाइए दोस्तों DDR3 रैम्स के ऊपर। तो जो DDR3 रैम्स होती हैं हमारी, उसमें अब नई रैम्स तो आ रही हैं, सैमसंग हाइनिक्स की नई रैम्स आ रही हैं, कुछ ऐसे ब्रांड हैं जैसे साइबरएक्स हो गया, सिमट्रॉनिक्स हो गया, ज़ेवरॉनिक्स हो गया, तो इस तरीके के जो ब्रांड्स हैं ये लोग बाहर से चिपसेट्स को इंपोर्ट कर रहे हैं और अपनी ब्रांडिंग करके मार्केट में दे रहे हैं। तो DDR3 वालों के लिए जो है वो अभी ऑप्शंस बचे हैं, हालांकि बहुत लंबे टाइम तक ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं रहने वाले हैं, तो आप लोग टाइम से अपने सिस्टम्स को जो है वो अपग्रेड कर लीजिए। पहले बहुत अच्छी रैम्स आया करती थी कॉर्सर वगैरह की, तो वो तो अब मिलनी बंद हो गई हैं, ए रेट अभी मिलनी बंद हो गई है, क्रूशियल का स्टॉक भी अब मार्केट से गायब हो चुका है DDR3 में, अगर मिलेंगी भी आपको तो यूज्ड रैम में मिल जाएंगी। देखिए एक चीज़ का ध्यान रखना आप कि रैम अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप भले ही यूज्ड रैम यूज़ कर लीजिए एक बार को, लेकिन रिफर्बिश जो रीबॉल की हुई ICs वाली जो रैम होती है उसको मत यूज़ कीजिए, क्योंकि वो जो रैम है वो आपको प्रॉब्लम कर सकती है। तो इस चीज़ का आप लोग जो है वो ध्यान रखना अपने सिस्टम्स के अंदर। और जो आपकी DDR3 रैम होती है उसमें तो खैर बड़ा इशू है फ्रीक्वेंसीज को लेकर के, क्योंकि वो रैम जो है वो स्मार्ट रैम्स अभी तक तो नहीं आई हैं, क्योंकि अगर उसमें 1333 के साथ 1600 लगाते हैं तो मोस्ट ऑफ द केस में डिस्प्ले नहीं आता है बोर्ड के अंदर, तो इसलिए वहाँ पर तो जो है वो फ्रीक्वेंसी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। 1600 के साथ 1600 ही चलती है, 1333 के साथ 1333 ही चलती है, तो वहाँ पे जो है ना वो कंपैटिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा एक इशू है। कई बार ऐसा होता है कि रैम हमने कोई 1600 मेगाहर्ट्ज़ की लगी हुई है और वहाँ पे हमने साथ में एक और 1600 मेगाहर्ट्ज़ की रैम लगा दी, और वो क्या करती है पूरे सिस्टम को जो है वो बिठा देती है, यानी कि वो सिस्टम बहुत ज़्यादा हैंग होने लगता है। तो उसके पीछे भी जो कारण है वो यही रहता है कि जो पहले या बाद वाली जो रैम हम लगाते हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो रिफर्बिश्ड रैम होती है। तो DDR3 वाले जो सिस्टम है ना उनके पास अभी बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है अवेलेबल, क्योंकि DDR3 के लगभग बोर्ड हमारे जो आ रहे हैं वो अब एंटी स्पोर्ट्स ने तो बोर्ड निकाल दिया है, बहुत अच्छा काम करा उन्होंने, उसमें आपको 1600 मेगाहर्ट्ज़ का जो है वो सपोर्ट भी मिल जाता है, बट हमारे पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप एक अच्छी ब्रांडेड रैम लेना चाहते हो तो DDR3 में आप ना सैमसंग या हाइनिक्स की रैम ही लेना। सैमसंग हाइनिक्स में ये है कि दोस्तों सबसे ज़्यादा डुप्लीकेसी होती है, एक बात का आप ध्यान रखना, यही दो रैम ऐसी हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है और सबसे ज़्यादा डुप्लीकेसी भी इनके अंदर होती है। मार्केट से पुरानी रैम्स को परचेज़ किया जाता है, उनको ठीक किया जाता है और उनके ऊपर सैमसंग या हाइनिक्स के जो है वो स्टिकर्स को अप्लाई कर दिया जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो रैम ना वैसे तो डीलर को बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ती है, लगभग 250-300 रुपये की रैम पड़ जाती है 4GB की,
बट होता ही है कि उसकी वजह से जो है वो कस्टमर जो है, जो एंड यूज़र है, वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करता है, उसके सिस्टम में बार बार दिक्कत आती है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें कि आप जब भी रैम लें सैमसंग या हाइनिक्स की, तो रिफर्बिश रैम ना लेकर के कोशिश करें कि नहीं मिल जाए। नहीं मिलती है तो पुल्ड आउट रैम ले लें, एक बार को वो सही चलेगी, बट ये रिफर्बिश वाला जो कहानी है ना, ये बड़ी बेकार होती है इसमें। एंड बार बार क्या होता है ना कि आप जैसे यूज़ कर रहे हो तो बार बार सिस्टम क्रैश कर जाएगा, ब्लू स्क्रीन आ जाएगी, या कोई एप्लीकेशन बंद हो जाएगा आपका, तो आप सोचोगे कि विंडो की दिक्कत है, बार बार विंडो इंस्टॉल करते रहोगे, लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम जो है वो रैम कर रही होती है। तो इस बात का ध्यान रखें, DDR3 में ये चीज़ अभी बहुत ज़्यादा है कि मार्केट में रिफर्बिश्ड रैम बहुत ज़्यादा आ रही हैं, इस चीज़ को लेकर के आप लोग अवेयर रहें। तो जब भी आप रैम खरीदें तो डीलर से एक बार क्लैरिफाई कर लें कि यार पुल्ड आउट चलेगी, नहीं चलेगी, बट रिफर्बिश वाली नहीं चलेगी। तो DDR2 वालों पे आते हैं तो DDR2 वालों के पास तो कुछ बहुत ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है भाई, जितना जल्दी हो सके अपने बोर्ड चेंज करके नए सिस्टम की तरफ स्विच कर जाओ, वरना आने वाले टाइम पे कुछ भी सामान मिलना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए रखते हैं इतना ही, ये था रैम को लेकर के। अगर आपके दिमाग में और भी कोई सवाल आता है तो आप बेशक पूछ सकते हैं। ध्यान रखना DDR4 वाले जो हैं वो फ्रिक्वेंसी मिसमैच ना करें, बोर्ड को चेक कर लें पहले कि किस फ्रीक्वेंसी तक बोर्ड आपका सपोर्ट करता है, उसी फ्रीक्वेंसी की रैम लगाएं। अगर रैम अपग्रेड कर रहे हैं तो या तो पुरानी रैम भी हटा दें, और अगर पुरानी के साथ नहीं लगा रहे हैं तो दोनों रैम की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम रखें। तीसरी बात यह है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो एक अच्छे ऑप्शन की तरफ ही आप लोग जाइए। DDR3 वालों के लिए मैं कंक्लूड कर देता हूँ कि आप लोग जो रैम लगा रहे हैं वो रिफर्बिश्ड रैम ना यूज़ करें, बजाय कि आप कोई सिमट्रॉन, अगर सस्ती ही चाहिए तो सिमट्रॉनिक, साइबर एक्स, जेब्रॉनिक्स वगैरह की काफ़ी सारी रैम्स मिल जाती हैं मार्केट में, या पुल्ड आउट रैम आप यूज़ कर सकते हैं, रिफर्बिश्ड रैम ना यूज़ करें। और कोशिश करें कि अगर ओरिजिनल सैमसंग या हाइनिक्स की रैम मिलती है आपको, या LPDIA वगैरह की रैम मिलती है, ट्रांसेंड की रैम मिलती है, तो ये सब रैम बहुत अच्छी क्वालिटी की होती हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और DDR2 वाले लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मिल रहा है फिलहाल वो लगा लो, और जितना जल्दी हो सके अपने सिस्टम को आप स्विच कर लीजिए, DDR3 या DDR4 में आप अपग्रेड कर लीजिए। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, कोई और सवाल हो आपके दिमाग में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ हर सवाल का जवाब देने की। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।